सभी को इंतजार था कि टेरिटोरियल आर्मी जो है उसकी भर्ती कब होगी। तो आपको बता दें कि काफ़ी जो बच्चे यहाँ से लगे हुए हैं उनसे बातचीत करने पे, और जो अभी काफ़ी लंबा समय हो गया है 2019 के बाद से, अब तक जो है टी आर्मी की वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आई है। तो अब प्रयास है कि ये साल के अंत तक कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो जो बच्चे आर्मी से एज आउट हो गए थे, जिनकी 21 से प्लस एज हो गई है, यानी कि 18 से 42 साल तक की एज रहती है, इसमें आप चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी प्रकार के बच्चे जो हैं भर्ती देख सकते हैं। 30 प्लस या 32 प्लस वाले जो बच्चे हैं एज में, उनको अलग से बैच बनता है, अलग से उनको दौड़ाया जाता है। तो ये सारा सब कुछ जो है आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब मौसम भी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सर्दियों का आ रहा है, तो अभी से जो है अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ में जो SSC GD की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें भी आप फॉर्म लगाएं, और टेरिटोरियल आर्मी के लिए जिन जिन बच्चों को तैयारी करनी थी वो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और इसके लिए आपको एक ही चीज़ है जो आपको सफलता दिलवा सकती है, वो आपकी कड़ी मेहनत है। क्योंकि 1600 मीटर अगर रनिंग पे आपकी पकड़ नहीं है तो चाहे कितनी भी भर्तियां आ जाए आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पूरी ईमानदारी से अगर आपको बेल्ट की जॉब चाहिए तो बिल्कुल आप आज से ही तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। इसलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें ताकि जब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो ये सोचना ना पड़े कि अब एक महीना रह गया है, 15 दिन रह गए हैं, क्योंकि यही 1-2 साल है जो हमारी लाइफ का करियर जो है वो तय करते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद।